राफेल घोटाले से मोदी सरकार का असली चेहरा पूरे देश के सामने खुलकर आया है। ये बात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व अध्यक्ष कुलदीप कुमार ने मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने ये घोटाला अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए किया है। उन्होंने कहा कि 45,000 करोड़ का इस घोटाले से ईमानदारी की दुहाई देने वाली केंद्र सरकार का चेहरा बेनकाब हुआ है। कुलदीप कुमार ने कहा कि देश की जनता 2019 के चुनावों में मोदी सरकार से इस घोटाले का हिसाब लेगी और केंद्र सरकार को सत्ता से बाहर कर इस सरकार की असलियत सबके सामने लाएगी। आज यहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, सबसे बड़ा जो हमारी केंद्र सरकार जो एनडीए सरकार है उसने हाल ही में जो हमारा राफेल डील की है उसमें ये जो राफेल डील का घोटाला है वो इस सदी का सबसे बड़ा घोटाला है। और उसके बारे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो एचएएल जिसका 70 साल का एक्सपीरियंस था जहाज बनाने का, उसको बाईपास करके और वो पब्लिक सेक्टर पब्लिक अंडरटेकिंग है और उसको बाईपास करके एक हमारे जो अनिल अंबानी जी हैं प्राइवेट एंटरप्रेन्योर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके दोस्त हैं उनको ये जो है एग्रीमेंट ठेका दिया गया और उनको ये फायदा पहुंचाने के लिए ये सारा जो घोटाला हुआ है। और ये सदी का सबसे बड़ा घोटाला है जिसमें लगभग 42,000 करोड़ का घपड़ा हुआ है। ये देश की जनता को आने वाली जनता आने वाले 2019 में इसका इस सरकार को जवाब देगी